हाँ तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हम आ चुके हैं, आइए हम आ चुके हैं शिप्रा नदी के घाट पे। और यहाँ पे अभी आप देख जैसे सामने देख सकते हैं वहाँ पे अभी आरती होगी, तो इसलिए अभी हम यहाँ आके बैठ गए हैं। तो जैसे कि जो लोग गंगा आरती नहीं जिन्होंने आज तक देखी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ की शिप्रा नदी है। उज्जैन की शिप्रा नदी, यहाँ पे स्नान करना बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पावन माना जाता है, क्योंकि इसकी ये खासियत है यहाँ पे जो भी स्नान करता है वो पूरा स्वर्ग का वो हो जाता है। क्योंकि जब हम कुछ चार नदियाँ हैं जिनके तीन के नाम तो मुझे पता है बट और नहीं पता है मुझे, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब इन नदियों में उसकी कुछ बूंदें गिरी थी, इस वजह से इन नदियों में नहाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। जो एक उज्जैन की शिप्रा नदी है, यहाँ पे महाकुंभ भी लगता है। एक हरिद्वार नदी है और एक बनारस घाट है। हरिद्वार की गंगा नदी, उज्जैन की शिप्रा नदी और बनारस की नदी, तो यहाँ इन तीनों के नाम तो मुझे पता है। अगर दो के नाम आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं मैसेज करके। ये शिप्रा नदी है, यहाँ पे अब हम गंगा आरती देखेंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हो गंगा आरती की तैयारी चल रही है, तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे आरती देखने के लिए।